अभी नीचे आ चुका हूँ भाई, बस में ही फोन लेकर अगर ये तो बता के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ओ भाई तू क्या कर रहा है? अर्पित लगा रहा भाई ताला। अभी भाई हम अंदर ही बैठे थे तो हमारा प्लान बन चुका है भाई अचानक से माता वैष्णो देवी जाने का। तो अर्पित कह रहा भाई माता वैष्णो देवी चल रहे हैं तो हम जा रहे हैं भाई अभी वोल्वो की टिकट बुक कराने के लिए कैफे, जहाँ से ही बुक होती है मतलब वहीं पे जा रहे हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लोग घर पे जाएंगे कपड़े वपड़े पैक करने, ठीक है गाइस। भाई सभी जा रहे हैं मेट्रो पे, भाई अर्पित वहीं पे खड़ा है और ये गौरव आ रहा है भाई, ये हमारे साथ जा रहा है। और हमारी वोल्वो है भाई 10 बजे की कश्मीरी गेट से मिलेगी, जितने ही बजे निकलेगी भाई। तो वहाँ पे जा रहे गोलू भाई, हमें जा रहे हैं भाई मेट्रो पे छोड़ने के लिए। चलो भाई आगे दिखाते हैं आपको। गाइस ये देखो इसका बैग, इसका बैग देख रहे हो गाइस, इतना बड़ा बैग लेके आए 2 दिन के लिए। दिखाना एक बार अपना बैग 2 दिन के लिए। देखो मेट्रो के अंदर हम आ चुके हैं अर्पित भाई, और ये पीछे ना क्या है भाई, तू भाई बिना नहाया गया और घर पे भी नहीं बता के आया भाई। हम कश्मीरी गेट पहुंच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर मिलेगी 4 नंबर गेट पे हमारी वोल्वो, फिर आप एक्सीलेटर बोल देंगे इसको, लोहे का जीना बोलते हैं वैसे तो, लोहे का जीना। तो भाई अभी ऊपर जाके वोल्वो में बैठते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। देखो गोरा भाई उल्टे गलत जीने पे चले गए थे, अब नीचे आ रहा है गाइस। थाईलैंड की टिकट बड़ा काम चला गया, नीचे आ रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे चला गया, एग्जिट नंबर 4 की जगह। बाथरूम कहां है भैया? यहीं पे, यही था। तो भाई वो सुन रोड भाई एग्जिट नंबर 4 की जगह चले गए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हम नीचे आ रहे हैं। ऊपर चढ़ भाई ये बात तो बता, तू इतना ये सामान लेके क्यों आया? साफ तो तूने बना दिया, बताना एक बार अपनी जनता को बता दो, सच बता मम्मी के पैरों में कितनी देर तक गिरा हुआ था कि जाने दो जाने दो। भाई इसके अंदर हमारे खाने पीने का सामान, खाने पीने, ये बताना कि मम्मी के पैरों में 1 घंटे तक गिर के आया ना कि मम्मी जाने दो प्लीज। ये तो गाइस बता के ही नहीं आया, ये तो बता के ही नहीं आया है। बता के लग रहा है वैष्णो देवी की चढ़ाई यहीं पे पूरी करनी पड़ी। ये गोरा भाई को देखो बैग उठा कैसे भग रहा है। हम रोड पे पहुंच चुके हैं भाई, जय माता की बोल दो भाई एक बार, जय माता की गाइस। भाई क्या कह रहा है भाई? बस में पेट्रोल डलवा लो भाई, हम टिकट के पैसे दे रखे हैं यार, उसके बाद भी पेट्रोल डलवाना पड़ जाए ना भाई। हम आने गेट नंबर 4 से उतरे और यहाँ से अब पता नहीं बस कितनी दूर खड़ी है, वो तो खड़ी सामने अंधे। हमें बोला है भारत के पेट्रोल पंप पे जाना है, अभी यहाँ पे एचपी का है, आगे भारत का 4-5 वो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ भाई। पहले चेक करो कितना प्यारा घर बना रखा है जिसने बना रखा है। अर्पित तू भी एक दिन ऐसे ही बनाएगा ना भाई? एक दिन ऐसे ही घर बनाने बस, मौज ही मौज है भाई, बहुत तगड़ा घर है गाइस। चेक भाई बहुत प्यारा लग रहा है यार। और ये रही गाइस हमारी वोल्वो, ये घड़ी सामने, चलो अभी इसमें जाके बैठते हैं। ये देखो हम रख रहे बैग अपना अंदर, हाँ जी यही है कहाँ रखे अंदर रखना है इसमें गाइस, ये चेक करो अंदर भाई, ये जल्दी रखना। अंदर आ चुके हैं भाई, ये तो बहुत ऊंची है भाई बस, लोग अपने अपने सीट पे बैठे हैं। तो भाई बार बार अपना सर फुटवा रहा है। देखो गाइस कितनी लग्जरी बस है, यहाँ पे है हमारी 2 सीट नीचे है गाइस, और 2 सीट यहाँ पे है यहाँ पे, और बाकी बंदे बच्चे बच्चे सारे आ गए, चार्जर यहाँ पे लगा सकते हैं। चद्दर वद्दर चुरा के ले जाएगी, देख ले यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, पागल है वो लगा हुआ ना कैमरा, आपको दिखा ही सकते गाइस वहाँ पे ना लोग, एक बंदा लेटा हुआ है इसलिए। अर्पित मैगी भर के लिया, बैग बनाएगा कहाँ पे? गाइस मैगी नहीं पूरा बैग भरा हुआ है ट्रॉफी के अंदर। तू ये मैगी कहाँ बनाएगा ये तो बता भाई, वो सोचेगा बाद में, बाद में क्या सोचेगा, कच्ची मैगी खाएगा बना के भाई। सारी चीजें लाए हम देख लो, मौज है भाई। गाइस हम लॉलीपॉप भी लेके आया ताकि अगर हमारे पास, दिखा भाई दिखा एक सेकंड, अगर हमारे पास इतना सब खाने का खत्म हो जाए, और ये भी दिखा, ये भी अगर इतना सब हमारे पास खाने के लिए खत्म हो जाए तो टाइम पास करने के लिए हम लॉलीपॉप चूज सके, इसलिए हम इसको तू चूजेगा लॉलीपॉप। हां गाइस गाइस तुम्हारा भाई लेट गया है भाई यहां पे, और ये मोटा तो तुम्हें पता है खाता ही रहता है 24 घंटे भाई, जब से अंदर आया ना और तुरंत बैग खोला उसने खाने का, जब से खाने में लगा हुआ है ये, अभी भी देखो। और गाइस ये चेक करो बाहर का व्यू, धुंध जमी हुई है, तो शीशे पे धुंध जमी हुई है गाइस, ठंड बहुत ज्यादा है गाइस, धुंध भी आज बहुत ज्यादा है। चलो आगे दिखाते हैं आपको कहीं पे रुकेंगे। तो गाइस मैं आपको बस चेक कराता हूँ एक बार, ये लग रही है यहाँ पे लाइट और ये चार्जिंग पोर्ट भी है गाइस यहाँ पे, और बोल मोटर। गाइस हम ना लास्ट सीट पे बैठे हैं तो ना यहाँ पे थोड़ी सफोकेशन भी हो रही है,
लेकिन अभी ना किसी ने ना परफ्यूम स्प्रे किया थोड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और सही है भाई, परफ्यूम कर दिया, नहीं तो ये मोटे की जुराब है भाई, बहुत गंदी बदबू आ रही है भाई, सड़ैंद मार रही है भाई। अभी किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया तो अभी तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और जब बस चलेगी ना तब देखते हैं, अभी तो बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है, क्योंकि लास्ट पे हम वैसे बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, देखते चल, तू खाता रहे, खा रहे भाई, गाइस हम तो भी पंजाबी तड़का खा रहे हैं, ट्रॉफी कहना पी चुके हैं, ये भी खा चुके, पूरा बैग वैसे भर के लाया, तू खा जाएगा सुबह तक, तो मेरे को पता ही है। हमारी वोल्वो अब चल चुकी है भाई, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस, आगे चल गई ना, हाँ चल गई ना, चल चुकी है भाई। चलो भाई अब थोड़ी तो आगे बढ़ी, अब जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पिएंगे सबसे पहले चाय, चाय वाली भाई, बहुत ज्यादा चाय की तड़प लग रही है, क्योंकि ना जब कहीं निकलते हैं ना तो चाय की बहुत ज्यादा तड़प लगती है। और तू तो वैसे भी बहुत पीता है कलवे, तेरे बताना एक बार क्या लगा गाइस, बस वाले ने भी बहुत तेज ब्रेक मारी इसके भाई के, लगा सर सीधा फट गया भाई, भाई सीधा वहीं पे सर लगा जा, खून निकल रहा है क्या, देख नहीं बच गया, खून नहीं निकला, अब ध्यान से पकड़ के बैठ भाई, लास्ट वैसे बैठे झटके लग रहे हैं भाई से, देखो अच्छी तरह हमारी बोल वो चल चुके हो भाई, झटके मत मरवा यार, फिर लग गया क्या सर तेरा गाइस, इसका फिर से सर लग गया, छत लग गया, हाँ वही जो भी लग गया। तो गाइस अभी हमारी बस चल चुकी है, रूट के अपने निकल चुकी है, और यहाँ पे अभी तो रात का टाइम है, अंधेरे ही अंधेरे है, और हम निकल चुके हैं, जय भोले बाबा की, वही की जय भोले बाबा की, बहुत ज्यादा भाई ऐसा बंदा इसको बोलता है, क्या कहते हैं, गाँव के वाला क्या, क्योंकि भाई ये गाँव का देसी वाला क्या जाट वाला, इसको ऐसे रहना पसंद है, शेर भी कहते हैं, चीता भी कहते हैं। और भाई आज मथुरा वृंदावन होटल से हम खाएंगे 40-40 रोटियां, हाँ 40 नहीं यार 20-20 खा लेंगे, 20-20 बहुत, हाँ भाई 20-20 रोटियां खाएंगे तो खा सकते हैं, क्योंकि भाई शेर ही कहते हैं, चीता ही कहते हैं। ये देखो हमें पानी देने के लिए भैया आ गया, लक्ष्मी होली देश की पानी की बोतल आ चुकी है, कितनी बोतल देंगे भैया, 4 और मान सकते क्या भाई, एक एक्स्ट्रा ले लेना भाई, बहुत बढ़िया सर्विस है लक्ष्मी हॉलीडेज की। सभी आधे घंटे के लिए हमारी वोल्वो रुकी है भाई, ये पीछे वोल्वो, और धुंध चेक कर रहे हो गाइस, कितनी ज़्यादा धुंध हो रही है, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये देखो भाई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा गाइस। अभी खाना वाना खाते हैं, मोटा भी नीचे आ रहा है, वो करके दिखाता हूँ आपको, अभी नीचे आ चुका हूँ भाई, धुंध भाई कोई ना दिखाई दे रहा। हेलो गाइस, वो ही तो भाई, भाई बड़ा मुश्किल होता है ऐसे चलाना ना धुंध में, देखना भाई कुछ भी ना दिखाई दे रहा भाई। ये देखो हम आए थे भाई चाय पीने के लिए, तूने अपने लिए मोटे ने मंगाया अपने लिए भाई पराठा, कौन सा वाला तूने कौन सा मंगाया भाई, ये तो फोन में भी दिया गाइस, अब चाय पी के फिर निकलेंगे, आधे घंटे का ब्रेक मिला था गाइस, कहा है गाइस, ये हमारे भोले बाबा जय भोले के भाई, देखो हमारे पराठे आ चुके हैं भाई, और ये मक्खन खा रहा है, मक्खन है क्या, ठीक है चलो गाइस हम खा लेते हैं पहले। तो गाइस खाना खा के आ चुके हैं अपनी बस में, तो अब हो रही है भाई रात, और हम सो रहे हैं भाई, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर लो।